देश की सियासत से गरीब की समस्याओं तक, संसद की गूंज से पंचायत की सभाओं तक, हम करेंगे हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू, क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। तीन किसान विरोधी कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सभी फसलों के लिए एमएसपी का कानूनी अधिकार तथा नया विद्युत अधिनियम निरस्त करने के लिए 200 दिन मनरेगा का काम, 500 रुपए मजदूरी, पीडीएस खाद्य पदार्थ बढ़ाने की मांग को लेकर महिलाओं ने उठाया हाथ। किसानों और मजदूरों ने नावों के बालू खनन अधिकार बहाल करने की मांग की। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, उर्वरक के दाम आधे करने की मांग उठाई। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे पूर्व उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी क्षेत्र के ट्रांस यमुना क्षेत्र में विशाल शक्ति प्रदर्शन में कई हजार किसानों और श्रमिकों ने आज अपनी किसान पंचायत घूरपुर प्रयागराज इलाहाबाद में उपरोक्त मांगों को उठाया। लाल झंडों और बैनरों ने सभा को सजाया और एकता के नारे लगाए। कॉर्पोरेट शासन का अंत, विदेशी लूट को नहीं। मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मैं आपके माध्यम से सवाल भारत सरकार से करना चाहता हूँ, अगर एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी तो 1868 का धान 900 और 1100 में क्यों बिका? अगर एमएसपी थी तो अभी गेहूं हमारा 2 महीने पहले बिका, 1975 का रेट था सरकार का, और अगर एमएसपी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी बताने का काम करें। एक मिनट रुकिए, आप सुन लीजिए सवाल किया, बोलिए। सवाल किया तो सवाल सुनिए जी, बोलिए बोलिए। तो जब एमएसपी थी तो 1975 का गेहूं 1200, 1400, 1500 में क्यों बिका, क्यों मंडियों में हमारा किसान लूटा, सरकारी क्रय केंद्रों में? देखिए, बालू खनन बहुत ही एक उदाहरण है, साधारण सा जो बिल आया है, जिस तरीके से बिल सरकार ला रही है और कह रही है कि इससे कृषि को फायदा होगा, उसी तरीके से एक समय था जब बालू मजदूरों को भी सरकार ने प्रलोभन दिया। आज क्या हुआ, पहले उनके पूर्वज किसी भी तरीके से बालू खनन कर सकते थे, मछली उसमें से निकाल सकते थे, मतलब पूरा उनका जीवन बालू खनन पे और मछली पालन पे, मछली फिशिंग पे उनका आश्रित था। आज क्या हुआ कि धीरे धीरे उनसे मछली मारने का अधिकार छीन लिया गया। पहले सरकार उसमें लेके आई कि हाँ, निषाद बिरादरी, बिंद बिरादरी, मल्लाह बिरादरी जो है, धनकर बिरादरी जो है, उसी को सिर्फ पट्टा होगा। बाद में सरकार ने हर सबके लिए अलाउ कर दिया, आज बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया। तो जो हाल यहाँ बालू का हुआ वही कृषि का भी होगा।